तो यार सामने आप बाइक को देख सकते हैं, हीरो एचएफ डीलक्स 2023 न्यू मॉडल E20 OBD2 अपडेट के साथ नेक्सस ब्लू कलर में बाइक आपके सामने प्रेजेंट है। इसमें अब आपको मिल जाते हैं न्यू और काफी अट्रैक्टिव प्रीमियम लुक देने वाले ग्राफिक्स, साथ ही में इसमें आपको न्यू क्या क्या फीचर्स मिलते हैं 2023 में, न्यू ऑनरोड प्राइस क्या है बाइक से, आपको माइलेज कितना मिल सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन बाइक से रिलेटेड आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखना। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो यार सबसे पहले टैंक पर आप देख सकते हैं E20 की आपको बैचिंग मिलती है, यानी कि E20% इथेनॉल का इसमें अब आपको अपडेट मिल जाता है, यानी कि अब आपकी HF डीलक्स नॉर्मल पेट्रोल से भी चलेगी यार, 20% इथेनॉल वाला जो पेट्रोल होता है उससे भी आपकी बाइक चलने वाली है। मीटर कंसोल इसमें आपको जो है फुल्ली एनालॉग में मिलता है, जिसमें आपको कुछ बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल मीटर, साइड स्टैंड की यहाँ पर मीटर कंसोल में आपको वार्निंग मिल जाती है, इंजन मालफंक्शन लाइट, हाई बीम लाइट और न्यूट्रल इंडिकेटर, कुछ ऐसे आपको इसके मीटर कंसोल में फीचर्स मिल जाते हैं। तो यार ये जो ग्राफिक्स है ना, इसमें आपको बाइक का लुक कैसा लग रहा है? जैसे कि पर्सनली मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहले से थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम और अट्रैक्टिव लग रहा है। बाकी आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यार यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में पासिंग का जो स्विच है वो मिसिंग है, बाकी आपको लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर, हॉर्न ये सारे स्विचेस मिल जाते हैं। राइट साइड में आपको सेल्फ का यहाँ पर स्विच मिल जाता है। तो यार HF डीलक्स का आपको जो है फ्रंट लुक कुछ ऐसा मिल जाता है, ब्लैक कलर में आपको फ्रंट में वाइजर मिलता है जिस पर आपको मिलता है हीरो का 3D लोगो। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपको हेलोजन में हेडलाइट और इंडिकेटर ये सारी चीज़ें मिल जाती है। 9.6 लीटर का इसमें आपको जो है फ्यूल टैंक मिल जाता है जिस पर E20 की बैचिंग है, साइड में आपको हीरो की भी स्टिकर में बैचिंग देखने को मिल जाती है। तो यार हीरो HF डीलक्स बाइक को अगर हम बेटर कंडीशन में राइड करते हैं तो इससे हम जो है 70+ माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो इंजन है BS6 Phase 2 अपडेट के साथ पहले से थोड़ा और भी रिफाइंड हो चुका है, जिस वजह से आपको काफी अच्छा माइलेज यहाँ पर मिल जाएगा। ये हुई ना बात। इसमें आपको फ्रंट में मिलते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दोनों ही साइड में, उसके आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं सेफ्टी पर्पज से, और ब्लैक कलर में यहाँ पर आपको मडगार्ड मिल जाता है। रियर में आपको मिलता है 5-स्टेप एडजस्टेबल स्विंग आर्म सस्पेंशन। सबसे अच्छी बात इसमें अब आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, पहले आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते थे लेकिन फाइनल इसमें अब आपको जो है ट्यूबलेस टायर मिलने लगे हैं। फ्रंट में आपको मिलता है 80x100 18 इंचेस अलॉय व्हील के साथ सिल्वर कलर में, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं आपको अलॉयज मिलते हैं, और साथ ही इसमें आपको IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम भी मिल जाती है, जिससे अगर हम रियर का ब्रेक प्रेस करते हैं तो साथ में उसके जो है फ्रंट का भी अप्लाई हो जाता है। और रियर में यहाँ पर मिलता है सेम 80x100 18 इंचेस अलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर। प्रोग्रामेड FI की यहाँ पर आपको मिलती है बैचिंग, यानी कि इस बाइक में आपको फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। और यार HF डीलक्स में आपको जो यूटिलिटी बॉक्स भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत सारी बाइक्स में आजकल देखने को नहीं मिलता। इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं, साथ ही में इमरजेंसी में अगर आप चाहे तो अपना मोबाइल भी यहाँ पर रख सकते हैं। सेल्फ स्टार्ट तो यहाँ पर आपको मिल ही जाता है, साथ ही में इसमें आपको जो है किक स्टार्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर बैटरी में बाई चांस कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो बाइक को किक से जो है इजीली स्टार्ट किया जा सकता है। जैसा कि सीट आप देख सकते हैं अच्छा खासा लॉन्ग है, वाइड है, तो कुशनिंग जो है ना इसकी कुशनिंग भी काफ़ी सॉफ्ट है, और इसमें जो है आपको कम्फर्ट काफ़ी ज़्यादा बेटर उस वजह से मिल जाएगा, जो कि आपको मैं एज ए HF डीलक्स एक्सपीरियंस लेने के बाद बता रहा हूँ। क्योंकि यार अपने पास भी जो है दो बाइक है, एक होंडा SP125, दूसरी है HF डीलक्स। तो यार जो सिटिंग कंफर्ट है ना मेरी SP125 से ज़्यादा HF डीलक्स में मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं रियर में आपको बल्ब में इसमें टेल लाइट मिल जाती है, इंडिकेटर भी यहाँ पर आपको बल्ब में मिलते हैं, और टेल लाइट के नीचे आपको यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। 4-स्पीड का इसमें आपको गियर बॉक्स मिल जाता है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेफ्टी फीचर भी मिलता है, फुल्ली कवर्ड इसमें चेन मिल जाती है, तो मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा कम रहता है, बार बार जो है चेन की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेडीज़ फुटरेस्ट, साड़ी गाड़ी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है, जिससे लेडीज़ भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली इस बाइक पर राइड कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो यार HF डीलक्स में आपको इंजन मिलता है BS6 Phase 2 अपडेट के साथ 97.2 cc का, जिससे आपको पावर मिलती है 7.91 PS की 8000 RPM पर। आपको टॉर्क यहाँ पर मिल जाता है 8.05 न्यूटनमीटर का 6000 RPM पर। तो बाइक से आपको काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल जाएगा, 100 cc के हिसाब से तो काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस इस बाइक में मिल जाता है। इसमें आपको मिलता है 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। सेफ्टी के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर लेग गार्ड भी मिल जाता है, और इसमें आपको जो है सेफ्टी के लिए एक और फीचर मिलता है जिसका नाम है बैंक एंगल सेंसर। अगर आपकी बाइक जो है कभी भी गिर जाती है किसी भी कंडीशन में,
तो बाइक कुछ ही सेकंड में जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो यार न्यू हीरो HF डीलक्स न्यू कलर ग्राफिक्स और कुछ न्यू फीचर्स के साथ आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। शोरूम की डिटेल्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो बाइक का टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी बाइक या स्कूटर परचेस करना है तो सबसे पहले उसका टेस्ट ड्राइव ज़रूर से लेना है। तो यहाँ पर HF डीलक्स का ये जो मॉडल है, ये जो कलर, इसके ऑन रोड प्राइस मिल जाती है 87,000। बाकी आपको ऑन रोड प्राइस में जो है स्टेट बाय स्टेट डिफरेंस थोड़ा बहुत मिल सकता है। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर अगर आप नए, आपको बाइक से रिलेटेड वीडियोज़ देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना है। बाकी जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच।